हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हमारे ऑडिट के एग्जाम मैराथन रिवीजन वीडियोस। हमारा सबसे पहला टारगेट है हमारा पहला चैप्टर विच इज़ नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जिसमें हम लोग सारे बेसिक्स और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स कवर होने वाले हैं हमारे सिलेबस में सबकी चर्चा फुल डिटेल में कर लेंगे, लेकिन एकदम फटाफट क्रिस्प एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ऑडिट क्या होता है, उसका मीनिंग, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ये। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि केवल एक ऐसा बंदा ही ये ऑडिट कर सकता है जो कंपनी के अंदर का नहीं हो, जो अनबायस्ड हो। करते हैं यहाँ पर हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट है, मगर फर्क ये है कि एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, एनपीओ भी हो सकती है, मतलब आप प्रॉफिट कमाने के लिए, धंधा करने के लिए बिजनेस खोले हैं या फिर चैरिटी करने के लिए, ऑडिट तो सबकी हो सकती है। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी से छोटी 1% कंपनी हो या बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल हो, HUF हो, बॉडी कॉरपोरेट हो, किसी भी लीगल फॉर्म में हो, सबकी ऑडिट होती है। ऑडिट करने का केवल एक पर्पस, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, चाहे वो पॉजिटिव ओपिनियन, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, कोई भी प्रकार का ओपिनियन देना हो। ये हमारा पहला टॉपिक होता है मीनिंग, कौन कर रहा है अपॉइंट और किसे करना है हमें रिपोर्ट सबमिट। देखिए, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं मालिक लोग, यानी कि अगर आप एक कंपनी है तो शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में CAG, फर्म के केस में पार्टनर्स, यानी कभी कभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी करती हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये बन गया कौन हमें अपॉइंट करता है और किसे हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब बात करेंगे कि ऑडिटर ने एक चीज इंश्योर करनी चाहिए, दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं किसी को मिसलीड ना कर दे। मिसलीड करने का मतलब है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़कर गलत कंक्लूजन पर पहुंचना। तो देखिए, कैसे आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड नहीं करेंगे, अगर आप ये इंश्योर करते हैं कि सभी जर्नल एंट्रीज के पीछे कोई ना कोई वाउचर है, यानी सपोर्टिंग है, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं हुई हो, सभी एंट्रीज से ही आप लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करेंगे। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एकदम क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। इसका क्लासिफिकेशन अकाउंट में बराबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बराबर होना चाहिए और सारे नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए। ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए PNL की और असेट लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट की। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, पहले तीन पॉइंट जर्नल एंट्री और लेजर पे फोकस करते हैं, जर्नल एंट्री, फिर लेजर और वहीं से बनते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगले तीन पॉइंट आपके FS पर फोकस करते हैं। तो इसको लर्न कैसे करोगे, जर्नल एंट्री के पीछे वाउचर होना चाहिए, कोई भी एंट्री मिस नहीं होनी चाहिए, एंट्री से ही लेजर बनने चाहिए, लेजर से बनते हैं FS, FS आपके होने चाहिए क्लियर अनएम्बिगुअस, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए और ट्रू एंड फेयर भी होने चाहिए PNL के और बैलेंस शीट के। तो आपके ओवरऑल FS किसी को मिसलीड नहीं करेंगे अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज। टेक्निकल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बंदा पूरा ट्रेंड होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई उसने एक CA वाली की होनी चाहिए, यानी पूरी एजुकेशन बराबर होनी चाहिए उसकी, एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए उसके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की और बिजनेस की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स उसको पूरी पता होनी चाहिए, AS वगैरह। कहते हैं ना, ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स पहले आना चाहिए। फिर ये बातें तो थी उसकी टेक्निकल क्वालिटीज की, व्हाट अबाउट द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। दिमाग होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, अपने फैसले पर अडिग, फर्मनेस होनी चाहिए, गुस्सा बेमतलब का नहीं आना चाहिए, वरना क्लाइंट पे टेंपर लूज कर दोगे तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे और आप उनके ही प्रॉब्लम्स से पकड़ नहीं पाओगे। इंडस्ट्री जजमेंट और डिस्क्रिशन दोनों होना चाहिए आपके पास में, क्योंकि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं। भरोसा इतना कि क्लाइंट भी आप पे ट्रस्ट करके आपको बातें बता सके। पेशेंस खूब होनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यूर डीलिंग विथ एंड ह्यूमंस के साथ आपको डील करना है। भरोसेमंद, साफ दिमाग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंस और इंटेग्रिटी जैसे सही गुण होने चाहिए आपके अंदर।
कुल मिला के अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं तो आप एक अच्छे ऑडिटर बन पाएंगे, क्योंकि दोनों की क्वालिटीज काफी सिमिलर होती हैं। अब हम देखते हैं कि ऑडिट करने के लिए दूसरी चीजों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तो ऑडिट अच्छी कर पाओगे, क्योंकि दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड है। यानी अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं तो आप ऑडिट प्रॉपरली कर पाएंगे, ऑडिट रिव्यूज आपके बराबर हो पाएंगे। दोनों काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, तो अगर आप अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज ले पाएंगे, अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे, तो ही आप ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। एंड अकाउंट्स के बाद ही ऑडिट शुरू होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस को ही हमें रिव्यू करना है। तो कुल मिला के अगर हमें अकाउंटिंग अच्छे से आती है तो हम ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। देन हमें बिहेवियरल साइंस पता होना चाहिए, ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, बिकॉज वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़, वेरी असेंशियल, हाउ वी इंटरैक्ट विद पीपल, हाउ पीपल इंटरैक्ट विद अस, इट इज़ वेरी असेंशियल ड्यूरिंग इंटायर ऑडिट। स्टैट्स और मैथ्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग पूरा का पूरा ऑडिट तो नहीं करते ना, सारी चीज़ें तो नहीं चेक करते, हम लोग तो सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग के लिए हमने स्टैट्स यूज़ किया और इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए हमने मैथ यूज़ किया। डेटा प्रोसेसिंग, आज के टाइम पे सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो हो रही है आपकी ERP सिस्टम्स पर, यानी CIS, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो डेटा प्रोसेसिंग इज इन इटसेल्फ डेवलपिंग एज अ डिसिप्लिन। हमें पता होना चाहिए क्लाइंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे उसका बिजनेस चलता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस, बिकॉज इफ वी नो द क्लाइंट्स प्रोसेस, इफ वी नो द क्लाइंट्स फंक्शन, तो प्रोडक्शन, कॉस्टिंग, मार्केटिंग जैसी चीज़ों पे हम वर्क कर पाएंगे। हमें समझ आ पाएगा इस प्रोसेस के बारे में, तो हम इसकी ऑडिट बराबर कर पाएंगे। देन आता है आपका लॉ का नॉलेज। एक ऑडिटर को अच्छी लॉ की भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि बिजनेस, कॉरपोरेट लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट लॉज, इन सब की यूसेज उसको करनी होती है। इन सब के बारे में उसको बताना भी होता है, कंप्लायंस हुई है कि नहीं हुई है। देन इकोनॉमिक्स, ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में आइडिया होना चाहिए क्लाइंट का। फिनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे रेज करते हैं, कौन सा मेथड ऑफ काउंटिंग बेस्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो, कैपिटल बजटिंग, इन सब की जो भी नॉलेज हम FM में लेते हैं। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ नथिंग बट योर वेरियस सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, QA, आपका EIS जो पहले हुआ करता था, कॉस्टिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, EFF यानी इकोनॉमिक्स, एंड ये है लोगों की नॉलेज, बिहेवियरल साइंस, जो इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपका सब्जेक्ट नहीं है। इन सब की अगर ऑडिटर को नॉलेज होगी तो वो ऑडिट अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा। अब देखिए, दो प्रकार की ऑडिट होती है। एक वो प्रकार जो मैंडेटरी है, लॉ ने कह दिया तो ऑडिट कराना पड़ेगा, जैसे कि कंपनीज एक्ट, इन सबको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वॉलंटरी ऑडिट की, मतलब ये लॉ ने नहीं कहा है, ये आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। अब कोई भी अपनी मर्जी से ऑडिट क्यों करवाएगा जब उसे कोई फायदे दिखेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HOF, ये सब करवाते हैं। क्यों? बिकॉज उनको कुछ बेनिफिट्स दिख रहे हैं। पहला बेनिफिट, जितनी भी इंटरनल कंट्रोल में कमी होगी वो मिल जाएगी, कोई भी फ्रॉड एरर का डिटेक्शन हो जाएगा। जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि उनके काम पर नज़र रखी जा रही है, मॉरल चेक, तो एम्प्लॉयज़ भी फ्रॉड करने से पहले कतराएंगे। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी, तो यूज़र्स को अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, उन्हीं के फिनेंशियल इंटरेस्ट को आप सेफगार्ड कर पाओगे। सरकारी अथॉरिटीज़ को टैक्स कैलकुलेशन पर भरोसा होगा ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर। बैंक्स वगैरह को भी लोन देने में और क्रेडिट डिसीजन लेने में ज़्यादा आसानी हो पाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा कर पाएंगे। अब आ जाता है पहला स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स की इंट्रोडक्शन और उसकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर पहला ऐसे जो इस चैप्टर में आपका कवर होता है वो है ऐसे 200 के डबल ओ से 200 है इसके अंदर। ये 200 को ऐसे पढ़ना, 2O, पहला ओ है ओवरऑल, दूसरा ओ है ऑब्जेक्टिव्स। दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर, पहला और दूसरा।
दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर के कौन से होते हैं, उनको हम कहते हैं उइया कासा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर दैट इज उइया, एंड कासा मतलब कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उइया कासा मतलब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करना। ऑडिटर के क्या दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उइया कासा करते वक्त? पहला ऑब्जेक्टिव है मुझे रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट अश्योरेंस मुझे मिल ही नहीं सकती क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट में। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। दूसरा, हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट रिपोर्ट बना करके देनी है। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज़ का लेना है मुझे? कि मेरी किताबें में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, चाहे वो गलती से हो चाहे वो फ्रॉड से हो। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड वेदर ड्यू टू एरर। एंड जो FS बने हैं वो FRF के हिसाब से बने हैं, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स AS या तो भी इंड AS शेड्यूल 3, ये सब फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स के हिसाब से बने हैं। इसी पर ऑडिटर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी फाइंडिंग्स के हिसाब से एक ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। ये मेरा ऐसे 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था। अब ऐसे 200 में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पूरा देखने के बाद ऑडिट में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप में क्या क्या आता है भैया? स्कोप में सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, एसेट लायबिलिटी, गलतियां चेक करना, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं ये देखूंगी कि इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर मैं मेरी ऑडिट कर रही हूँ वो पूरी है ना, यानी सफिशिएंट, और भरोसेमंद है ना, यानी रिलायबल। जिसके लिए मुझे इंटरनल कंट्रोल्स, अकाउंटिंग सिस्टम सब पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट इंक्वायरी करनी पड़ेगी। फिर मैं देखूंगी कि पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज तो है ना, मैनेजमेंट ने क्या जजमेंट लिया, अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कौन सी लगाई। फिर इस हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन देना भी मेरे स्कोप में आता है। पर क्या मेरे स्कोप में नहीं आता है? व्हाट विल एन ऑडिटर नॉट डू? FS बनाना और प्रेजेंटेशन करना मेरा काम नहीं है, मैनेजमेंट का काम है। कोई भी ड्यूटी जो मेरे को नहीं आती, मेरी कॉम्पिटेंस में नहीं है, लाइक आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो वो मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं बनेगा। मुझे वैल्यूएशन नहीं आता अगर ISOP का, तो वो मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों ना हम एक्सपर्ट्स यूज़ कर लें इन चीज़ों के लिए। डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन चेक करना मेरी ड्यूटी का पार्ट नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, हमें ऑडिट करना है। इन दोनों शब्दों में खूब बड़ा डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, मीनिंग ही अलग है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जबकि इसमें वर्ड यूज़ होगा क्रिटिकल एग्जामिनेशन, और कोई खास बात ज़रूर होने वाली है तभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देन आता है ऑब्जेक्टिव। अब भी तो बताया ऑडिट का दो दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे, रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, FS पे रिपोर्ट देनी है। लेकिन फ्रॉड में हम इन्वेस्टिगेशन में हम शायद फ्रॉड ढूंढ रहे, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में स्कोप का भी फर्क है। इधर तो हम जेनरिक चीज़ें कर रहे हैं, पूरा FS चेक कर रहे हैं, या हम स्पेसिफिक अकाउंट चेक करेंगे। यहाँ पर ऑडिट में हम लोग ब्रॉड चीज़ों पर फोकस करते हैं और सभी कुछ चेक करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, कैश, बैंक, इन्वेंट्री। यहाँ पर हमें पता होता है कहाँ पर फोकस करना है। फ्रॉड की टॉपिक की अगर इन्वेंट्री रिलेटेड है तो मैं सिर्फ इन्वेंट्री चेक करूँगी, तो नैरो हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास कोई लीगल पावर नहीं है, जस्ट रूटीन पावर है बुक चेक करना, डॉक्यूमेंट, सबूत, इंक्वायरी, केवल ऐसी लीगल पावर्स आपके पास, और कोई डिटेल लीगल पावर्स नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में आप है ना घुस जाओ फर्म के अंदर, सारे खाते पत्र बिखेर दो, सर्च का पूरा हक है,
किसी को विटनेस बनाकर बुलाकर कटघरे में खड़े करके एग्जामिन करने का भी पूरा हक है। मतलब ये आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें कर सकते हो। अब आ जाता है एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, आइला रे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट विच इज आइला रे, ये बताता है कि ऑडिट में हम कितनी भी कोशिश कर रहे ऑडिट रिस्क को कम कर सकते हैं लेकिन जीरो कभी नहीं कर सकते। कितना भी कर लो बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। क्यों? ऑडिट में हम सारी गलतियां नहीं पकड़ सकते। इसके टोटल 5 रीजंस आपको बुक में करके दिए हैं, भले स्टैंडर्ड में इसको 4 पॉइंट बनाया हुआ हो, आपकी बुक ने इसको चेंज किया है, रीफ्रेम किया है। पहला, नेचर ऑफ एफआर ही घटिया है। दूसरा, एफआर तो चलो घटिया थी ही, हम ऑडिट प्रोसीजर्स भी सही नहीं कर रहे। तीसरा, हम ऑडिट कर रहे भैया, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहे, अभी तो बताया था सब कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। चौथा इज बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट, कॉस्ट और बेनिफिट के बीच का एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है भैया, तुम क्या समझोगे। एंड पांचवा, हम कितनी भी कोशिश कर ले कभी कभी तो गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाता है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स है। इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, वो अपने आप में भी एग्जाम में बहुत बार टेस्ट होता है वाया प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। तो आइए ध्यान से समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद करने हैं। पहला पॉइंट है यार, आप ऑडिट में सब कुछ इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो नेचर होता है ना, वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। अगर मैनेजमेंट ने जजमेंट लगा रखी है, मैनेजमेंट ने यूज़ कर रखा है डेप्रिसिएशन का एक रेट, आप कैसे बोलोगे ये सही है कि गलत है, वो तो जजमेंट है ना। मैनेजमेंट ने बोल रखा है बेड डेट इतने होंगे, आपको क्या ही पता चलेगा, सब्जेक्टिव है ना एफएस के आइटम्स। अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं चलते होंगे तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रिलायबल नहीं निकल के आएगी, तो नेचर ऑफ एफआर ऐसा है कि गड़बड़ होने की फुल संभावना है। सेकेंड, ऑडिट प्रोसीजर्स की कमी। बेटा देखो, प्रैक्टिकल लिमिटेशन, क्या आप 100% चीज़ें चेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं सैम्पलिंग, तो आप सारी गड़बड़ पकड़ ही कब पाओगे जब आप सारी चीज़ें चेक करोगे? सारी चीज़ें ही चेक नहीं करी तो सारी गड़बड़ पकड़ ही नहीं पा सकते। ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन वाला पॉइंट हुआ। अब आता है लीगल लिमिटेशन वाला पॉइंट। लीगल लिमिटेशन वाला पॉइंट कहता है आप मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकते सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और अगर उसने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अलग कर दिए तो आप पकड़ नहीं पाओगे। मान लेते हैं मैनेजमेंट ने आपको 2 सेट ऑफ बुक्स में से 1 सेट ऑफ बुक्स दी, एक जो रियल थी और एक जो मैनेजमेंट ने आपको देने के लिए बनाई, तो आप कभी फ्रॉड नहीं पकड़ पाओगे। अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया, बेटा एरर से ज़्यादा फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉड में मैनेजमेंट ने सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स डिज़ाइन करी है जो बाकायदा फ्रॉड करने के लिए ही बनाई गई है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप ऑडिट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी कर रहे हैं, तो आप सारे फ्रॉड तो पकड़ पाओगे भी नहीं। फिर रिलेटेड पार्टीज के साथ किया गया ट्रांजैक्शन में 2-2 गुंडे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप कैसे पकड़ पाओगे? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर 2 लोग साथ में मिलकर रिलेटेड पार्टीज फ्रॉड कर रहे हैं तो ये तो ऑन पेपर ट्रांजैक्शंस हैं, इनको आप कभी पकड़ पाओगे नहीं। देन आता है इंफॉर्मेशन की रेलेवेंसी ओवर टाइम खत्म हो गई। बेटा मान के चलो आपने पिछले साल प्रीवियस ईयर में कुछ सबूत इकट्ठा किए थे, अब वो इस साल तो कम रेलेवेंट हो जाएंगे ना अगर सिचुएशंस चेंज हो गई तो, और आपको इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और उसको ऑब्टेन करने में जो खर्चा लग रहा है उसके बीच में बैलेंस भी तो मेंटेन करना है। एक एंटिटी अगर देश के 4 सबसे बड़े ऑडिट फर्म्स को लगा दे तो वो बहुत अच्छा ऑडिट करवा पाएगी, और पूरे साल अगर ऑडिट करवाए तो बहुत अच्छा करवा पाएगी, लेकिन उनको पैसे कौन देगा? कॉस्ट और बेनिफिट के बीच का बैलेंस भी तो मेंटेन करना ज़रूरी है। देन आता है लास्ट पॉइंट विच इज़ फ्यूचर इवेंट्स। कभी कभी एंटिटी का गोइंग कंसर्न ही ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स नहीं बचे या सिचुएशन नहीं बची, सबूत इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, ऑडिटर को क्या पता चलेगा, वो तो पास्ट की भी गारंटी नहीं ले सकता, फ्यूचर की गारंटी कैसे ले सकता है। तो ये 5 पॉइंट है जो इनहेरेंट लिमिटेशंस बनते हैं जिसके वजह से ऑडिट में कभी भी आप ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। कितना भी आप कह लें कि एफएस में मैंने सारी गलती पकड़ ली, हो सकता है कुछ गलती ऐसी हो जो आप नहीं पकड़ पाओगे। ये हो गया आपका इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब
इंगेजमेंट एक अलग ही टॉपिक, जो एडिशंस हुए हैं ये न्यू टॉपिक्स हैं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट क्या होता है? एक सीए होता है और एक उसका क्लाइंट होता है। सीए को ये लोग प्रैक्टिशनर कहते हैं और फिर क्लाइंट, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ को लेकर अगर फॉर्मल अग्रीमेंट हुई है तो वो इंगेजमेंट बन जाती है। इंगेजमेंट बच्चों दो प्रकार की होती है, ऑडिट अश्योरेंस टाइप की इंगेजमेंट है, क्योंकि इसमें आप कोई ओपिनियन या कोई आश्वासन दे रहे हो। तो अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होता है उसके पहले मैं आपको बता दूं, दो प्रकार के इंगेजमेंट्स होते हैं, एक जिसमें ऑडिटर अश्योरेंस देता है यानी ओपिनियन देता है, और एक जिसमें वो अश्योरेंस नहीं देता, सिर्फ काम कर देता है, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। इसमें से अश्योरेंस इंगेजमेंट किसे कहते हैं आइए देखते हैं। इसमें एक सीए होता है जो एक ऑडिट रिपोर्ट या और भी कोई प्रकार की रिपोर्ट में अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है। ये कंक्लूजन सभी यूजर्स का, जैसे कि शेयर होल्डर्स का, जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। यूजर तो हालांकि क्लाइंट खुद भी होता है, लेकिन वो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाती है, बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, जैसे कि बैंक, जैसे कि गवर्नमेंट, जैसे कि शेयर होल्डर्स। पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता कैसे है प्रैक्टिशनर? प्रैक्टिशनर क्या करता है ना, वो आउटकम निकाल के देता है बाय कंपेयरिंग टू थिंग्स। ये टू थिंग्स में क्या आता है, एक आता है सब्जेक्ट मैटर और एक आता है क्राइटेरिया। जैसे कि क्राइटेरिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सब्जेक्ट मैटर है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिटर क्या करेगा, एएस की कंपैरिजन एफएस से करके बताएगा कि क्या आउटकम बराबर है, क्या ये दोनों आपस में मैच होते हैं। अगर मैच होते होंगे तो वो कंक्लूजन अच्छी दे देगा और अच्छी कंक्लूजन पढ़ के यूज़र का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है अश्योरेंस इंगेजमेंट की। अश्योरेंस इंगेजमेंट के आइए एलिमेंट्स देखते हैं। तीन तो थी यहाँ पे पार्टियाँ, एक थी प्रैक्टिशनर जो कि बन गया आपका सीए, एक था रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो एफएस की प्रेजेंटेशन और प्रेपरेशन करता है, जो था अपना क्लाइंट, और एक है बेटा इंटेंडेड यूज़र, जिसका एग्जांपल दिया मैंने आपको शेयर होल्डर्स। ये पढ़ते हैं और रिलाई करते हैं रिपोर्ट पर। एक होती है हमारी अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन एग्जामिन लिया यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक होता है आपका सूटेबल क्राइटेरिया, जिसमें हमने बेंचमार्क लिया यानी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हम लोग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठा करते हैं, इस सबूत से कंक्लूजन पे पहुंच के, ओपिनियन पे पहुंच के एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं, जिसे हम आउटकम कहते हैं, यानी आपकी ऑडिट रिपोर्ट। ये बन गया आपका पूरा का पूरा अश्योरेंस इंगेजमेंट का एलिमेंट। आई होप आपको यहाँ तक पूरी क्लैरिटी मिली होगी। कहीं पर पढ़ते वक्त कोई भी डाउट लगे तो कॉमेंट सेक्शन पे तुरंत पूछ लो, वील बी एबल टू रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी। अब बात करते हैं बच्चों दो प्रकार के इंगेजमेंट्स की, एक जिसमें आप कोई आश्वासन नहीं देते हो यानी नॉन अश्योरेंस, ओपिनियन ही नहीं दे रहे, एक जिसमें अपन अश्योरेंस दे रहे हैं यानी ओपिनियन दे रहे हैं। मैं आपको सारे टाइप्स की इंगेजमेंट जो एक ऑडिटर कर सकता है इस एक समरी चार्ट से करवा देती हूँ। एक समरी चार्ट बन रहा है यहाँ पर, इसी में सब टाइप के अश्योरेंस इंगेजमेंट्स कवर हो जाएगी, नॉन अश्योरेंस भी कवर हो जाएगी। एक ऑडिटर एक दो तीन चार टाइप की सर्विसेज दे सकता है, जिसमें से तीन अश्योरेंस वाली है और एक नॉन अश्योरेंस वाली है। पहले मैं आपको अश्योरेंस वाली सर्विसेज बता देती हूँ। ऑडिटर क्या कर रहा है ना, हिस्टोरिकल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, जो पहले से बन गए हैं उनको हिस्टोरिकल कहते हैं, पिछले साल के फिनेंशियल एफएस पर दो प्रकार की अश्योरेंस सर्विसेज दे सकता है। एक जिसमें वो लिमिटेड अश्योरेंस दे रहा है यानी ऊपर ऊपर से चेक करता है, जिसको हम रिव्यू कहते हैं, लास्ट में एंड में ऊपर ऊपर से चेक करके बताता है सब ठीक है कि नहीं, और एक जिसमें वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में जाता है, जिसको रीजनेबल अश्योरेंस कहते हैं, जिसे ऑडिट कहते हैं। तो एक है लिमिटेड अश्योरेंस, एक है रीजनेबल अश्योरेंस, दोनों पुराने प्रीवियस ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हो रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर पर नहीं देते हो तो उसको अदर देन हिस्टोरिकल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो दो टाइप के हो सकते हैं। एक जब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पर कमेंट दे रहे हो, और दूसरा जब आप एफएस पर ही नहीं देते
इंटरनल कंट्रोल जैसी चीजों पर कमेंट देते हो कि वो ढंग से बने हैं कि नहीं, यानी आपकी अश्योरेंस सर्विसेज टोटल हो गई है 3 टाइप की। एक, अगर मैं वापस अश्योरेंस का चार्ट बनाकर दिखाऊं तो समझिए क्या होगा। अश्योरेंस सर्विस आपकी बनी 3, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी प्रीवियस ईयर की FS, एक जहाँ पर हिस्टोरिकल में नहीं आप जा रहे हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये हो गए आपके फ्यूचर FS। क्या बात कर रहे हो मैम, जो साल ही खत्म नहीं हुआ उसमें फ्यूचर FS को लेकर हम लोग कैसे कर सकते हैं कोई भी प्रकार का अश्योरेंस सर्विस। तीसरा आता है आपका जहां पर अपन बात करते हैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो बात करेगा आपका इंटरनल कंट्रोल वगैरह या नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात करते हैं अपन। बेटा नॉन फाइनेंशियल की बात करी मतलब FS को छोड़कर और भी कोई चीज एंटिटी में कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है उस पर बात करेंगे, यानी इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं उस पर बात करेंगे हम लोग। ये हो गए आपके 3 पार्ट, फ्यूचर FS, प्रीवियस ईयर FS और FS ही नहीं। जब FS ही नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल यानी इंटरनल कंट्रोल्स ढंग से चल रहे हैं कि नहीं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में। इन तीनों पे अपन अश्योरेंस तो दे रहे हैं, मतलब ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं एक प्रकार की, कोई भी प्रकार की रिपोर्ट दे रहे हैं, उस रिपोर्ट पर कमेंट दे रहे हैं। कमेंट देना मतलब अच्छा है कि नहीं है ऐसा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब हम ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब हम नॉन अश्योरेंस रिपोर्ट देते हैं। नॉन अश्योरेंस में कोई भी चीज़ अच्छी है कि बुरी है हम वो नहीं बताते, आप हमें काम करने को कहो हम वो काम करके दे देंगे, जिससे कि हम मदद कर रहे हैं मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मदद करिए ना, कमेंट तो नहीं किया ना उसके ऊपर। अगर कमेंट ही नहीं किया उसके ऊपर मतलब वो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट बन जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है। तो ये हम उसकी डिटेल में गए, वापस आते हैं नीचे की तरफ। जब मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूंगी इस पे मैं 2 प्रकार की अश्योरेंस दे सकती हूँ, एक ज़्यादा एक थोड़ी कम। जब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी उसे रीजनेबल अश्योरेंस कहेंगे, जैसे कि ऑडिट, इसमें शायद मैं पूरा 1 महीना दूँ, ज़्यादा गहराई में जाऊँ, ज़्यादा बड़ी टीम लेकर जाऊँ, ज़्यादा बड़ा सैम्पल साइज लेकर ज़्यादा चेकिंग करूँ। दूसरा होता है कम, जिसको कहते हैं रिव्यू, इसमें आप लिमिटेड अश्योरेंस ही दोगे। लिमिटेड और रीजनेबल अश्योरेंस के बीच का भी फर्क मैं आपको अच्छे से अभी बता देती हूँ। और ये वाला चार्ट आपका इसका कंप्लीट होता है। पहले मैं लिमिटेड और रीजनेबल अश्योरेंस के बीच का आपको डिफरेंस बता देती हूँ। रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देना, जबकि लिमिटेड मतलब कम अश्योरेंस देना। रीजनेबल में काम भी ज़्यादा करोगे कंक्लूजन भी रीजनेबल निकलेगा, एग्जाम्पल हो गया ऑडिट। लिमिटेड में प्रोसीजर्स भी कम करोगे और कंक्लूजन भी लिमिटेड दोगे, उसे रिव्यू कहते हैं। अब हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं। देखिए हिस्टोरिकल जो है वो हमेशा जो हो चुके इकोनॉमिक इवेंट्स है उसकी बात करेगा, पास्ट पीरियड वाले, ये पास्ट इवेंट ऑलरेडी अकर्ड की बात करेगा। इसमें हम सबूत इकट्ठा करते हैं, FSR फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एविडेंस भी पास्ट ओरिएंटेड होता है और इसकी हम रिपोर्ट में लिखते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू मिला के नहीं मिला। ये रीजनेबल या लिमिटेड 2 टाइप के अश्योरेंस देता है। बट अगर मैं प्रोस्पेक्टिव की बात करूँ, ये फ्यूचर रूटेड इवेंट्स होते हैं, अभी तक जो हुए नहीं है इसमें एंटिटी क्या एक्शन लेगी वो भी हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स है, ये फोरकास्ट के फॉर्म में होता है। जो हमें सबूत भी लेने हैं ना बेटा, वो किस बारे में लेने हैं कि मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर FS बनाए हैं
कब बनाती है मैनेजमेंट फ्यूचर एफएस? जब उसे लोन वोन लेना होता है। तो क्या मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस लिए हैं वो रीजनेबल तो हैं कि अनरीजनेबल है? क्या सारे अजम्पशंस को प्रॉपरली डिस्क्लोज तो किया है कि नहीं किया है? क्या एविडेंस फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं है? इसकी रिपोर्ट भी ऐसे बनती है, पता है, हम लिमिटेड से भी कम या कभी कभी मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस देते हैं, नेगेटिव ओपिनियन देते हैं। नेगेटिव ओपिनियन का मतलब है हम ऐसे नहीं लिखते कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हम ऐसा लिखते हैं यार कोई गड़बड़ प्रैक्टिशनर की अटेंशन में आई तो नहीं है, मतलब हो तो सकती है हमें नहीं मिली है। हम बहुत सेफ खेलते हैं ये रिपोर्ट देते वक्त। ये हो गया हमारा HFI और PFI का भी डिफरेंस। अब बेटा आ जाती हूँ मैं नॉन अश्योरेंस सर्विस पर। नॉन अश्योरेंस में हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं पता है, या तो तुमको FS बनाने में मदद कर रहे हैं जिसे कंपाइलेशन बोलते हैं, इस पर हम अश्योरेंस नहीं देते। वी डोंट से कि FS अच्छे बने हैं कि बुरे बने हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, क्योंकि जो बना रहा है वो तो कैसे कमेंट कर सकता है ना अच्छा है कि बुरा है, उसे तो अच्छा ही लगेगा, खुद के बनाया हुआ हाथ का खाना भी इतना पसंद आता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सही लगेंगे। या फिर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि तुम हमें कह दो क्या करना है, हम वो करके दे देंगे। जैसे कुछ कुछ एंटिटीज़ के केस में अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, रिलेटेड पार्टी, सेल्स, प्रॉफिट, सेगमेंट रिलेटेड, आपने किसी को प्रोसेस करने को बोला। जैसे आपने किसी CA को बोला डेटर्स की एजिंग निकाल के दो, कितने टाइम से पैसा आना बाकी है वो सब कैलकुलेट करके दो, तो अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जब कोई आदमी करेगा ना तो उसे नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट कहते हैं। ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट। इन इंगेजमेंट्स को करने के लिए ICAI ने अब तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं। इन स्टैंडर्ड्स को सभी CA को पालन करना पड़ता है जो भी इनमें से कोई भी इंगेजमेंट कर रहा है। जैसे बच्चों मैं आपको लिंक करा देती हूँ, आपके कुल इतने प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी पूरी एक लिस्ट भी मैं अभी आपको दे दूंगी, जिसको आपको याद करके चलना है, क्योंकि मोटा मोटी ये तो सारे आपको सिलेबस में ही हैं और ये भी, क्योंकि ये एक ही होता है, ये तीनों सिलेबस में नहीं है लेकिन इनके एग्जाम्पल्स सिलेबस में हैं, इसीलिए इसकी भी लिस्ट तो याद करके चलनी है। ये क्या है मैं समझा देती हूँ। कुछ इंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ICAI ने निकाले हैं ताकि सभी CA क्वालिटी अच्छी दे सके। अब अगर ये स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो मैं अपने तरीके से काम करती और कोई और अपने तरीके से काम करता तो लोगों को कैसे पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए SQC1, SAs, SRE, SAE, SRS प्रकार के अलग अलग स्टैंडर्ड्स निकाले सो दैट मी एंड एनी अदर CA गिविंग दीज सर्विसेज विल हैव अ बेयर मिनिमम क्वालिटी। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप इससे ज़्यादा कुछ करना चाहो तो वेल एंड गुड, पर इतना तो हर CA को करना ही पड़ेगा। ये अलग अलग चीज़ों पर लग रहे हैं, ये प्रोसीजर्स अलग अलग चीज़ों पर लग रही है। जैसे कि SQC1 ये तो सारी इंगेजमेंट्स पर लगता है, ये ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल कहता है कि हर फर्म के अंदर बढ़िया क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 100 से लेकर 999 तक है, ये ऑडिट पर लगते हैं और इसीलिए ये हमारे सिलेबस के लिए मोस्ट रेलेवेंट है क्योंकि हम मेन ऑडिट ही पढ़ रहे हैं। अगर आप रिव्यू करोगे यानी कम ऊपर ऊपर से कम चेकिंग करोगे तो उस पर कम स्टैंडर्ड्स लगेंगे, उसकी ये सीरीज है। ये दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाले हो गए, तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट्स अलग हो गए। अब स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट्स बाकी अश्योरेंस पर लग रहे हैं, यानी आपके अश्योरेंस इंगेजमेंट्स लग रहे हैं एक तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर, और बाकी के आपके लगेंगे ये इंटरनल कंट्रोल चेक किया आपने, कोई भी और प्रकार का अश्योरेंस दिया आपने। तो ये है रिलेटेड सर्विसेज, ये नॉन अश्योरेंस सर्विस पर लगेगा, यानी अभी जो मैंने आपको अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन और अदर रिलेटेड सर्विसेज समझाई। तो कुल मिला के आप इसकी मैपिंग यहाँ पर कर सकते हो, नॉन अश्योरेंस पे रिलेटेड सर्विसेज वाले स्टैंडर्ड्स लग गए, अश्योरेंस में यहाँ पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगे, यहाँ पे रिव्यू लगे और यहाँ पे लग गए अश्योरेंस इंगेजमेंट वाले स्टैंडर्ड्स। ये तरीके से इन दोनों का आपस में मैपिंग हो गया। लास्ट पार्ट, इन्हीं स्टैंडर्ड्स की एक लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ और क्या आपको सिलेबस में है, कहाँ है वो भी बता देती हूँ। SQC1, SA200 स्टैंडर्ड्स सारे सिलेबस में है और SQC भी एक ही है और वो भी आपको सिलेबस में है ही। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक के 700 तक आपको सिलेबस में है, बारिंग अ फ्यू स्टैंडर्ड्स, कौन कौन सा नहीं है वो बता देती हूँ, ज़्यादा आसान होगा। 240, 250, 402,
540, 620 और 720 नहीं है, बाकी सब अलग अलग चैप्टर्स में है। कौन सा कौन से चैप्टर में कवर होगा उसकी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको दे दी। 800 सीरीज से लेकर ये सब पूरा पार्ट आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के फॉर्म में ये लोग बार बार रिव्यू में कौन कौन सा आता है, ऐसे ई में कौन कौन सा आता है, SRS में कौन कौन सा आता है, लगातार पूछ रहे हैं। इसीलिए एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। SQC 1 और स्टैंडर्ड्स बाकी के तो सिलेबस में है ही, तो इनकी डिटेल अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इतना बता देती हूँ। 200 सीरीज जनरल की बात करता है, 300 सीरीज रिस्क असेसमेंट की, 500 में सबूत इकट्ठा करते हैं, 600 में दूसरों का काम इस्तेमाल करते हैं, 700 में अपने आप कंक्लूजन और रिपोर्टिंग की बात करते हैं, 800 जो कि स्पेशल सर्विसेज होते हैं। स्पेशल यानी इसमें आपने FS बनाए ही स्पेशल पर्पस के लिए हैं, सभी जनता के लिए नहीं बनाए, शायद किसी बैंक के लिए बनाए हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर बनाए हैं या समरी बनाए हैं। तो ये स्पेशल वाले प्रोविजंस हो गए 800 सीरीज, ये भी आपको सिलेबस में नहीं है। रिव्यू क्या होता है, आपने डिटेल में FS चेक ही नहीं करे। जब आप पूरे साल का करते हैं तो 2400 लग जाता है आपको हिस्टोरिकल FS को ऊपर ऊपर से चेक करना। जब आप बीच साल में, अब आपको पता ही होगा कि भाई हमारे देश के अंदर में जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हो गई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हो गई, इनको जो है बार बार बीच साल में क्वार्टरली FS बनाना पड़ता है। उस क्वार्टरली FS का ऑडिट करने जितना समय तो मिलेगा नहीं, तो उस पर 2410 में रिव्यू करते हैं हम लोग, ऊपर ऊपर से चेकिंग करते हैं उसकी। देन आता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट या रिव्यू है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपने को, इसमें हम हिस्टोरिकल पे नहीं वर्क कर सकते, यानी या तो प्रोस्पेक्टिव पे वर्क करेंगे, ये फ्यूचर वाले FS हो गए आपके, जिसका स्टैंडर्ड है 3400। बैंक वगैरह को जब हम जमा करवाते हैं ना ये, तो ऑडिटर ने जब प्रोस्पेक्टिव पे कमेंट किया हुआ रहता है ना, बैंक को ज़्यादा भरोसा आता है। कंपनी तो क्या करेगी, लिख के दे देगी, हाँ हम अगले साल में, अगले 5 सालों में इतना पैसा कमाएंगे। जब ऑडिटर वो कंक्लूजन्स वगैरह पढ़ के और अजम्पशंस पे कमेंट करता है, तो बैंक को ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ भाई सही बोल रही है ये कंपनी। फिर 3402 कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल्स ठीक है कि नहीं, जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर मैंने लिया उस कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं, उस पर कमेंट किया, तो मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कमेंट ही नहीं किया, तो ये अदर देन वाला हो गया। प्रोस्पेक्टस के ऊपर कमेंट करना, प्रोस्पेक्टस में अंदर जो इन्फॉर्मेशन यूज़ की गई है वो बराबर है कि नहीं, उस पर कमेंट करना, तो ये 3420, तीन स्टैंडर्ड्स इसके वर्क करते हैं। रिलेटेड सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, तो रिलेटेड सर्विसेज में तो हम अश्योरेंस ही नहीं दे रहे, अश्योरेंस नहीं दे रहे। जैसे मैंने कंपाइलेशन बोला, मतलब आई एम हेल्पिंग मैनेजमेंट इन प्रेजेंटेशन एंड प्रेपरेशन ऑफ FS, इसमें मैं हेल्प कर रही हूँ उनको, इसमें मैं कोई ओपिनियन बना के नहीं दे रही। या फिर मैंने कोई अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर लिया, अकाउंट्स पेबल पे, अकाउंट्स रिसीवेबल पे, इन्वेंट्री पर, किसी भी एक चीज़ पर मैंने कोई भी काम जो आपने मुझे करने बोला वो मैंने कर लिया, तो एक 4400 है, एक 4410 है। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा स्टैंडर्ड, क्या सिलेबस में है क्या नहीं और क्या आपको याद करना है। If you ask me, क्या engagement standards के नाम याद करने हैं, I would say yes, utmost certainty से कर लीजिए, क्योंकि देखिए ना, आपके पूरे पूरे chapters यही तो हैं, यही तो आपका chapter बनेगा, और ये examples भी आपको नीचे वाले याद करने हैं, because they are continuously asking this, ठीक है। अब क्यों standards की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा ये एक benchmark की तरह work करता है। पता है, आप ऐसा लगेगा कि अगर मैंने audit benchmark के हिसाब से किया है, मतलब global practices के हिसाब से मेरे यहाँ का ऑडिट है, तो लोगों को भरोसा ज़्यादा हो पाएगा, क्वालिटी अच्छी हो पाएगी FR की, तो यूज़र्स बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे, डिलीजेंट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, मैं और आप एक जैसी ऑडिट कर पाएंगे, यूनिफॉर्मिटी हो पाएगी। इससे है ना, जैसे अब आप, मैं आपको अलग अलग चैप्टर के रिविजन में अलग अलग स्टैंडर्ड सिखा दूंगी, तो आपकी नॉलेज और स्किल भी बहुत एनहेंस हो जाएगी और ऑडिट की क्वालिटी भी A1 रहेगी, ये ऐसा इंश्योर कर पाएगा। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का स्टैंडर्ड्स फॉलो करते वक्त क्या ड्यूटी है, ये भी अभी रिसेंट में पूछा जा रहा है, और थियोरेटिकल आपका जो एक क्वेश्चन बैंक होता है टेक्स्ट बुक का, उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड भी है कि एक CA की ड्यूटी बनती है उसे सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लेने चाहिए। उसकी ये भी ड्यूटी बनती है कि कभी कभी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कोई प्रोसीजर नहीं लग रहा, जैसे कि मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार मुझे किसी डेटर से कॉन्टैक्ट में आना है,
पर मैं वो नहीं कर पा रही, तो ऐसे में मुझे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना चाहिए। क्यों मैं नहीं कर पा रही, दिया गया प्रोसीजर वो मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब व्हाई डिड आई डिपार्ट फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड, व्हाट डिड आई डू इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आस्क मी टू डू, मतलब आपने मुझे क्या करने बोला था उसके बदले मैंने कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर किया, मैंने ऐसा क्यों किया। और ये सभी डिपार्चर्स के बारे में मेरी रिपोर्ट का एक पैराग्राफ होगा अदर मैटर पैरा, जहाँ मैं ऑडिट के बारे में बताती हूँ, वहाँ मुझे डिटेल में इस बारे में बता देना होगा। हालांकि सिर्फ रिपोर्ट में लिख देने से आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो गई है, आपको स्टैंडर्ड तो कंप्लाई फिर भी करना है। इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर वन का फुल एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। यू विल फाइंड दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड वेट, वी आर गोइंग टू अपलोड ऑल द चैप्टर्स रिविजन इन द कमिंग टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।